Hello children, in this video you will get to know what is big data, what is the significance of big data and what are the characteristics of big data. So let us start with what is big data. The phrase big data is used to describe large amount of data that the internet is flooded with. So yahan pe big data kiske liye use ho raha hai, wo data jo internet par available hai. Okay, wo large amount of data jo internet par available hai uske liye hum term use karte hain big data. Today there are over a billion internet users. Okay, अब आजकल क्या है, we have billions of internet users, everybody is using internet. Okay, and the majority of the world's web traffic is coming from the smartphone. और जितना web traffic आता है उसका एक बहुत बड़ा part कहाँ से आता है, smartphone से आता है. Fine, below given figure shows that at the current pace around 2.5 quintillion bytes of data are created each day. तो ये जो नीचे फिगर दी गई है उस वो क्या शो करी है कि पर डे ईच डे कितना डेटा क्रिएट होता है, 2.5 quintillion bytes डेटा क्रिएट होता है. तो जो क्वेंटिलियन हो किसके इक्वल होता है, 1000 raised to the power of 6. Fine, 1000 raised to the power of 6. Okay, and the pace is increasing. और ये जो data जो create होता है वो day by day increase हो रहा है. ओके, विद द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. किसके एवोल्यूशन से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, अ नेटवर्क ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एबल टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा. ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, पूरा नेटवर्क है, वी नो इट. ओके, जहाँ पे क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेज एंड डेटा दैट इज एक्सचेंज अमंग दीज डिवाइसेज. Fine. This result in the generation of the data sets of enormous volume and complexity called big data. तो जो ये हम जो इंटरनेट है इस, okay, ये क्या है, इसका इसके यूज से क्या हो रहा है, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा क्रिएट हो रहा है, एक लार्ज वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्स डेटा क्रिएट हो रहा है, उस डेटा को हम कहते हैं बिग डेटा. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर के अंदर 60 सेकंड के अंदर कितना सारा डेटा आ रहा है, 2.78 मिलियन वीडियो व्यूज, 46,200 पोस्ट अपलोडेड, 2.4 मिलियन सर्च क्वेरीज, 204 मिलियन ईमेल सेंड, 1.8 मिलियन स्नैप क्रिएटेड. तो यहाँ पे क्या है, इन इन 60 सेकंड्स राइट कितना ज्यादा डेटा क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है इंटरनेट पे. यहाँ पे देखो मैसेज 44.4 मिलियन मैसेज सेंट, राइट. ओके, तो दिस डेटा विच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, विच इज क्रिएटेड ऑन द इंटरनेट, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, बिग डेटा. फाइन, सच डेटा कैन नॉट बी प्रोसेस एंड एनालाइज यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स. ठीक है, तो जिस बिग डेटा की हम बात कर रहे हैं, जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम क्या, उसको हमने क्या टर्म दिया है, बिग डेटा. ओके, बिग डेटा क्या है, इट कैन नॉट बी प्रोसेस, उसकी प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती और उसको एनालाइज नहीं किया जा सकता ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स की हेल्प से, एज द डेटा इज नॉट ओनली वॉल्यूमिनस बट ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड. क्योंकि एक तो ये डेटा बहुत जाता है, ओके, इट इज वेरी वॉल्यूमिनस, राइट, एंड ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड, बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है, उसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटरनेट क्या फ्लडेड है विद लॉट्स ऑफ डेटा, लाइक आर पोस्ट, इंस्टेंट मैसेजेस, चैट्स, फोटोग्राफ्स डेट वी शेयर थ्रू वेरियस साइट्स. तो यहाँ पे क्या है, ईच सेकेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज बींग एक्सचेंज, राइट, बहुत सारा डेटा एक्सचेंज होता है. तो वो क्या है, एक एक पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं है, अनस्ट्रक्चर डेटा है और उसका वॉल्यूम बहुत लार्ज है. तो उसको ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स की हेल्प से ना तो प्रोसेस किया जा सकता है ना एनालाइज किया जा सकता है, राइट. लाइक देखो एग्जाम्पल है, ट्वीट्स, ब्लॉग आर्टिकल्स, न्यूज आइटम्स, ओपिनियन पोल्स, कमेंट्स, ऑडियोज, वीडियोज, चेस एक्सेट्रा, राइट. बिग डेटा नॉट ओनली रिप्रेजेंट वॉल्यूमिनस डेटा, इट ऑल्सो इन्वॉल्व वेरियस चैलेंजेस लाइक इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे ये सिर्फ ये नहीं दिखा रहा कि ये बहुत बड़ा डेटा है, राइट, इसको हैंडल करने के लिए भी बहुत सारे चैलेंज हमको फेस करने पड़ते हैं, लाइक इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर स्मॉलर कंपोनेंट्स इनटू अ सिंगल सिस्टम, मींस इसको इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना, इस पूरे डेटा को इंटीग्रेट करना, इसका एकीकरण करना. फाइन, स्टोरेज, इसको स्टोरेज करना, एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है, इसका एग्जामिनेशन करना, ओके, इसकी एक एक डिटेल को क्या करना, अच्छे से उसको एग्जामिन करना. फाइन,
सर्च करना, इसकी प्रोसेसिंग करना, ट्रांसफर करना, क्वेरिंग करना, विजुलाइजेशन करना। विजुलाइजेशन क्या होता है? इस डेटा को आप पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना। फाइन, रिप्रेजेंटे व्हाट इज विजुलाइजेशन? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ चार्ट और अदर इमेज। ठीक है, तो इसको एक पर्टिकुलर पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। फाइन, तो ये सारा करना भी क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब उसको उसको इंटीग्रेट करना, स्टोरेज करना, एनालिसिस उसका करना, प्रोसेसिंग करना, विजुअलाइजेशन करना। फाइन, बिग डेटा समटाइम्स होल्ड रिच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विच इज ऑफ हाई बिजनेस वैल्यूज। लेकिन ये डेटा क्या है? इस डेटा के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है, नॉलेज भी होती है, जो क्या है, जिसकी जिसकी हेल्प से जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको क्या होता है, फायदा होता है। एंड देयर फोर देर इज अ कीन इफर्ट इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड मेथड्स टू प्रोसेस एंड एनालाइज बिग डेटा। तो इसको इसलिए इस बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर एंड मेथड्स को, न्यू न्यू सॉफ्टवेयर एंड मेथड्स को डेवलप किया जाता है। फाइन, नाउ वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ बिग डेटा, राइट? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका हमारे लिए फायदा क्या है? बिग डेटा हैज द पोटेंशियल टू हेल्प कंपनीज इंप्रूव ऑपरेशंस एंड मेक फास्टर मोर इंटेलिजेंट डिसीजंस। तो बिग डेटा की हेल्प से जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है, उस वो क्या करती है, दैट बिग डेटा हैज द पोटेंशियल टू हेल्प कंपनी, जो कंपनीज है, कुछ कंपनीज हैं, वो इस डेटा को यूज करती है अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए और कुछ अपने डिसीजंस लेने के लिए। फाइन, राइट? द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग ईमेल्स, मोबाइल डिवाइसेस, जैसे ऑनलाइन कंपनीज हैं, आपकी ऑनलाइन कंपनीज होगी, अमेजोन हो गया, और अदर डिफरेंट डिफरेंट आपकी एप्स हैं, कंपनीज हैं, जो क्या करते हैं, जिनका बिजनेस ऑनलाइन है, सेल एंड परचेज का ऑनलाइन है, तो वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द हैबिट्स ऑफ द यूजर्स, किस टाइप का वो डेटा कलेक्ट करेंगे कि किस टाइप के लोगों को चीजें पसंद है, कैसे उनकी उनकी क्या परचेजिंग हैबिट्स है। तो ये जो डेटा होता है ना, ये हेल्प करता है उन कंपनीज को डिसीजंस लेने में। फाइन, किस टाइप के प्रोडक्ट्स वो बनाएं, कैसे उसको सेल आउट करें, लाइक दिस। ओके, द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग ईमेल्स। डेटा को कलेक्ट किया जाता है ईमेल्स के थ्रू, मोबाइल डिवाइसेस, एप्लीकेशंस के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट एप्स होती है उनके थ्रू, डेटाबेसेस के थ्रू, सर्वर्स के पास जो डेटा अवेलेबल होता है उनके थ्रू, एंड अदर मीन्स, राइट? और बहुत सारे अदर मीन्स होते हैं, दूसरे तरीके होते हैं। दिस डेटा व्हेन कैप्चर्ड फॉर्मेटेड, इस डेटा को कैप्चर मतलब लिया जाता है, उसको फॉर्मेट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और उसके बाद एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस क्या होता है, उसका एक एक पार्ट का डिटेल क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है। फाइन, कैन हेल्प अ कंपनी टू गेन यूजफुल इनसाइट टू इंक्रीज रेवेन्यूज। तो ये जो पूरा एनालिसिस है, वो क्या करता है, कंपनीज को हेल्प करता है उनके रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए। रेवेन्यूज क्या होता है, जो उनको फायदा मिल रहा है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए। गेट और रिटेन कस्टमर्स, कैसे वो अपने कस्टमर्स को रिटेन करें, मतलब कैसे कस्टमर्स उनके पास आए और वो कस्टमर्स उनसे जुड़े रहें, ठीक है। एंड इम्प्रूव ऑपरेशंस, और कैसे वो अपनी कंपनी में इम्प्रूवमेंट कर सकें, अपने कामों में, अपने ऑपरेशंस में इम्प्रूवमेंट कर सकें। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा इंक्लूड्स गूगल सर्च इंडेक्स, ठीक है, गूगल सर्च इंडेक्स की किस टाइप की इंफॉर्मेशन लोग सर्च कर रहे हैं, वहां से डेटा कलेक्ट होगा। डेटाबेस ऑफ फेसबुक यूजर प्रोफाइल्स, ठीक है, जो फेसबुक यूजर्स हैं उनके उनके उनका डेटाबेस, amazon.com प्रोडक्ट लिस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एग्जांपल है बिग डेटा की। फाइन, जहां से कंपनीज डेटा क्या करती है, लेती है, उनको एनालाइज करती है, इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देमसेल्स। नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा एग्जिबिट्स फॉलोइंग फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन द गिवन फिगर दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द ट्रेडिशनल डेटा। जो बिग डेटा है, जो डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसकी क्या है, ये फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसे ट्रेडिशनल डेटा से डिफ्रेंशिएट करती है, उसे अलग करती है। फाइन, देन वी हैव वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। ओके, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वॉल्यूम। ओके, द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा इज इट्स
इनॉर्मस साइज जो बिग डेटा है उसकी पहचान क्या है, उसका बड़ा साइज। ओके, तो इंटरनेट जो बिग इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है उसे बिग डेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ा डेटा है। इफ अ पर्टिकुलर डेटा सेट इज ऑफ सच लार्ज साइज दैट इट इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस इट विद ट्रेडिशनल डीबीएमएस टूल, इट कैन बी टर्म्ड एज बिग डेटा। तो वो डेटा जो बहुत बड़ा है साइज में, और वो ट्रेडिशनल जो डीबीएमएस टूल्स हैं, जो पुराने डीबीएमएस टूल्स हैं, उनकी हेल्प से उसको प्रोसेस नहीं किया जा सकता, तो ऐसा डेटा क्या है होता है, ऐसा डेटा बिग डेटा होता है। फाइन, उस डेटा को हम कंसीडर करते हैं बिग डेटा। तो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा कि वो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, राइट? उसका उसका साइज क्या है, बहुत बिग है। फाइन, नाउ वी हैव द वेलोसिटी। इट रिप्रेजेंट्स द रेट, रेट मीन्स स्पीड एट विच द डेटा अंडर कंसिडरेशन इज बींग जनरेटेड एंड स्टोर्ड। तो इसकी जो जनरेशन, इसकी जो क्रिएट, इस डेटा की क्रिएट होने की जो स्पीड है वो क्या है, बहुत 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 हाई है। फाइन, ओके, बिग डेटा हैज एन एक्सपोनेंशियली हायर रेट ऑफ जनरेशन देन ट्रेडिशनल डेटा सेट। जो ट्रेडिशनल डेटा सेट है उससे बहुत ज्यादा हाई रेट है इसका क्रिएट होने का, जनरेट होने का। फाइन, तो इसकी जो वेलोसिटी है ऑफ क्रिएशन ऑफ जनरेशन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल डेटा सेट्स, राइट? देन वी हैव द वैरायटी। इट एसर्ट्स दैट अ डेटा सेट हैज अ वेरी डेटा, जो ये जो बिग डेटा है उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा वेरी डेटा है, मतलब अलग अलग डेटा आया हुआ है, इमेजेस है, साउंड्स, वीडियोस, पोस्ट, टेक्स्ट मैसेजेस। सो क्या है, इट हैज अ वेराइटी ऑफ डेटा सच एज स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड डेटा है इसके अंदर, सेमी स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। सम एग्जाम्पल्स आर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, वेब पेजेस एंड सो ऑन। तो व्हाट दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा दैट इट कंटेन्स वेराइटी ऑफ डेटा। ये नहीं है कि एक तरह का डेटा है इसके पास, इसके पास क्या है, वेराइटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है। फाइन, ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा इज वेरासिटी। ओके, तो वेरासिटी क्या होता है, तो क्वालिटी ऑफ बींग ट्रू और करेक्ट, मतलब वो जो डेटा अवेलेबल है, बिग डेटा जो है उसका जो डेटा है वो क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, राइट? बिग डेटा कैन बी समटाइम्स इनकंसिस्टेंट, बायस, नॉइसी, और देयर कैन बी एबनॉर्मलिटी इन द डेटा और इश्यूज विद द डेटा कलेक्शन मेथड्स। तो यहाँ पे बिग डेटा में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है, ओके, उसमें इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बिग डेटा की, वो वेरासिटी भी है कि इसका क्या मीनिंग है, इट रेफर्स टू द ट्रस्ट वर्डीनेस ऑफ द डेटा बिकॉज प्रोसेसिंग सच इनकरेक्ट डेटा कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट्स और मिसलीड द इंटरप्रिटेशंस। तो यहाँ पे एक वेरासिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेटा अवेलेबल है वो क्या होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, जो एक्यूरेट डेटा नहीं है उसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट हमारे रॉन्ग आएंगे, ओके, और डेट विल बी वेस्टेज ऑफ द टाइम एज वेल एज द रिसोर्सेज। फाइन, तो यहाँ पे वेरासिटी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देन वी हैव द वैल्यू। बिग डेटा इज नॉट ओनली जस्ट अ बिग पाइल ऑफ डेटा बट ऑल्सो पोजेसेस टू हैव हिडन पैटर्न्स एंड यूजफुल नॉलेज विच कैन बी ऑफ हाई बिजनेस वैल्यूज। तो बिग डेटा क्या है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसके अंदर नॉलेज भी है और ये यूजफुल भी है। फाइन, जो बड़े बड़े बिजनेस को फायदा दे रही है। बट एज देयर इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोसेसिंग बिग डेटा, वी शुड मेक अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी टू सी द पोटेंशियल ऑफ द बिग डेटा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू डिस्कवरी और एल्स आर एफर्ट्स कुड बी इन वेन। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस बिग डेटा की प्रोसेसिंग करना के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। ओके, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए, मतलब प्रोसेसिंग करने से पहले एक इंक्वायरी करनी चाहिए टू सी द पोटेंशियल ऑफ द बिग डेटा, बिग डेटा को देखने के लिए कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है। ओके, सो डैट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू डिस्कवरी, कि वो वैल्यूएबल है, उससे आपको कोई फायदा हो रहा है, उस कंपनी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज आर इफर्ट्स कुड बी, अदरवाइज क्या होगा, जो इतने ज्यादा रिसोर्सेज यूज होंगे और मनी यूज उसको करने में जो आपके कॉस्ट जाएगी वो सब क्या चली जाएगी, वो यूजलेस हो जाएगी। फाइन, तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। फाइन, ओके चिल्ड्रेन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग फ्रेंड्स। टिल देन कीप स्टडिंग।